जरा सोचो, औरतों के मुकाबले आदमी इतने कम रह जाएं कि उन्हें बचाए रखने के लिए घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए। यहाँ बाहर का सारा काम औरतें करती हैं और मर्द बस पाउडर लिपस्टिक लगाकर घर पे बैठते हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जापान के शोटोकु शहर में, जहाँ एक जानलेवा बीमारी फैल गई थी जिसमें चेहरे पर बहुत सारे लाल दाने हो जाते थे। ये बीमारी सिर्फ आदमियों को होती थी और हर 10 में से 8 आदमी मर जाते थे। इसी तरह आदमियों की तादाद लगातार घटती जा रही थी। अब औरतों के मुकाबले सिर्फ 25% आदमी जिंदा बचे थे और इसी वजह से समाज में भी बड़ा बदलाव आया। सारी पावर अब औरतों के हाथ में चली गई थी और तो और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाने का जिम्मा भी औरतों का है। आदमियों को तो बस नाजुक चीजों की तरह संभाल कर रखा जाता है। कहाँ और आइए, ले चलो मेरे को भी। उनका काम सिर्फ सुंदर दिखना और बच्चे पैदा करवाने का था। ओ भाई साहब, जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना कोई फायदा नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि अगर किसी लड़की को शादी के लिए लड़का मिल जाए तो भाई साहब गजब ही हो जाएगा, क्योंकि लड़के इतने कम रह गए थे कि सिर्फ अमीर घरों की लड़कियां ही शादी कर सकती थी। अब आदमियों को काम धाम तो कुछ करने दिया नहीं जाता, तो काफी सारे आदमियों ने अपना पेट पालने के लिए अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। इसी शहर में मिनुजो परिवार रहता था, जिनका उनोशे नाम का एक 19 साल का लड़का था। जहां बाकी आदमी सिर्फ मेकअप और कपड़ों के शौकीन थे, वहीं उनोशे पूरी जिंदगी मेहनत करके सामुराई बना था। हालांकि उनके पास भी कुछ खास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी भी जिस्म बेचकर पैसे कमाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन कभी कभी वो बूढ़ी औरतों के साथ रात गुजार लेता था जिन्हें बच्चे की सख्त जरूरत थी। उसका दिल एकदम साफ था और वो इस काम के पैसे भी नहीं लेता था। उनके घर में हमेशा उनोशिन से शादी करने के लिए लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी। वो एक योद्धा होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत और नेक इंसान भी था, लेकिन उसने किसी से शादी के लिए हाँ नहीं की, क्योंकि अंदर ही अंदर उनोशिन अपनी बचपन की दोस्त उनुबू से प्यार करता था। लेकिन वो कभी ये बात कह नहीं पाया क्योंकि वो बड़े घर की लड़की है। इसी चक्कर में वो उससे दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता था। जब उनोशिन के घर की हालत और बिगड़ गई, तो उसने एक ओकू में रहने का फैसला किया। ये जगह दरअसल राजमहल के अंदर थी, जहां रानी से शादी करने की चाहत में कई आदमी रहते थे। उन्हें खूबसूरत बनाकर रखा जाता था कि कभी ना कभी तो रानी की नजर पड़ेगी इस पे। इन आदमियों को अपने काम के लिए काफी पैसे मिलते हैं, लेकिन यहां तो पूरे 3000 आदमी रानी को पाने के लिए लड़ रहे थे। हम देखते हैं कि आदमी और औरतों के रोल्स एकदम बदल चुके थे। जहां औरतें अब सीधी साधी काम पर ध्यान देने वाली हो गई थी, वहीं आदमियों ने नखरे करने शुरू कर दिए थे। जब उनोशिन ने महल जाने के अपने फैसले के बारे में उनुबू को बताया, तो उनुबू ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनोशिन अपना मन बना चुका था। आखिरी बार वो उनुबू को किस करके अपने रास्ते चला गया। महल में पहुंचने पर उसके टीचर ने बताया कि वो सबसे निचले दर्जे का नौकर है जिसे झाड़ू पोछा करना होगा। वहीं उनोशिन ने फूजी नामा को देखा, जो वहां का सबसे ताकतवर आदमी था। इसके बाद वहां रहने वाले दूसरे आदमी उनोशिन के बालों का मजाक उड़ाकर उसे परेशान करने लगे, लेकिन उसे इस बात पर गर्व था कि ऐसे बाल सिर्फ सामुराई योद्धा रख सकते हैं। बाकी लोगों ने चिढ़कर उसे ज्यादा से ज्यादा काम दिया, लेकिन वो मेहनत करने से डरता थोड़ी था, उसे तो आदत थी। साफ सफाई के दौरान उसके साथी ने बताया कि इज्जत से बात कर मछली से, ठीक है, क्योंकि अभी उनका दर्जा महल के जानवरों से भी नीचे था। लोगों ने उसे धक्के मार कर उसका खाना तक गिरा दिया, जिस वजह से उसे 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। एक रात जब वो सो रहा था, तो 3 आदमियों ने उसे पकड़कर उसके साथ गुपचुप करने की कोशिश की, लेकिन एक सामुराई योद्धा के आगे ये नाजुक कलियां क्या ही कर पाती। उसने 2 मिनट में सबको मार कर भगा दिया और अपनी इज्जत बचाई। अगले दिन उसने अपने साथी से पूछा कि क्या सिस्टम चल रहा है, ये आदमी होके आदमी से प्यार करने फिर रहे हैं, सेफ महसूस नहीं हो रहा मुझे यहाँ पे। तब उसके दोस्त ने बताया कि रानी तो अभी 7 ही साल की है और बाहर की किसी औरत को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, तो बेचारे आदमी कहाँ जाएं क्या करें, तो आपस में ही चोंच मोच भिड़ा लेते हैं। ये सुनकर उनोशिन के होश उड़ गए, क्योंकि बाहर तो औरतें आदमियों के लिए मारा मारी कर रही थी। हट, ये मेरा है, चल भाग यहाँ से। ओ बकरी से मुंह, भाग जा यहाँ से, इससे तो मैं शादी करूंगी, ठीक है। दोपहर के समय उनोशिन ने कुछ आदमियों को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखा। उसने अपनी झाड़ू को ही तलवार समझकर प्रैक्टिस शुरू कर दी और फूजी नामी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो उनोशिन को बाकियों के साथ डोजो में ले गया। उन्होंने उनोशिन को वहाँ के सबसे ताकतवर फाइटर सुरोका से मुकाबला करने की चुनौती दी। सब इस बात पर हंसने लगे, सुरोका से ये बच्चा लड़ेगा क्या? 2 मिनट में धरती चाटता फिरेगा, देखना। लेकिन उसने तो कुछ ही पलों में सुरोका को धूल चटा दी। रात के समय उसने अपने दोस्त को बताया कि उसे इस महल की नकली चकाचौंध पसंद नहीं है, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि यहाँ आने से पहले वो बेहद गरीब था। उसकी पत्नी ने उसे डाइवोर्स तक दे दिया था क्योंकि वो उसे बच्चा नहीं दे पाया। वहाँ वो कड़ी मेहनत करके कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा लेता है। ये सुनकर उनोशिन को एहसास हुआ कि एक अबला आदमी के लिए बाहर रहना कितना मुश्किल है। अगले दिन उसकी जीत के किस्से महल में चारों ओर फैल गए और कई जवान लड़के उसे पटाने के लिए उसके आसपास फुदकने लगे। लेकिन रात होते ही सुरोका अपनी हार का बदला लेने आ पहुंचा। उनोशिन
को मजबूरन लड़ना पड़ा और इस बार भी वो जीत गया। सुरोका अपनी हार का दुख सह नहीं पाया और इस दुनिया से चला गया। अगले दिन उनकी 7 साल की रानी एक बीमारी की वजह से चल बसी और अब एक जवान लड़की को रानी के पद पर बैठाया गया। वो एक सख्त मिजाज की लड़की थी जो समाज की भलाई के लिए काम करना चाहती थी। वो पिछली रानियों की तरह नहीं थी जिन्हें कुछ काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसने पहले ही दिन एक औरत को काम से निकाल दिया क्योंकि वो कह रही थी कि एक रानी को तो महंगे कपड़े पहनने चाहिए। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि महल के लोग महंगी चीजों में लदे रहें जबकि देश भर में लोग भूख से मर रहे थे। उसके इस कारनामे के बाद महल में लोग उससे डरने लगे। अगले दिन वो शहर में भेष बदल कर चली गई। उसने ध्यान से देखा कि आम लोग कितनी मुसीबत से अपना पेट पाल रहे हैं। ज्यादातर आदमी तवायफों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे और उन्हें कोठे में रखने वाले लोग उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते थे। आम लोगों को पूरा दिन मेहनत करके रात को ही रोटी नसीब होती थी। उधर महल में जवान रानी के आने से आदमियों की उम्मीदें जाग उठी थी। सबने उसके सामने जाने की तैयारियां शुरू कर दी लेकिन सिर्फ हाई लेवल के आदमियों को ही उसके सामने जाने की इजाजत थी। इसलिए उनोशिन जानता था कि उसका तो कुछ नहीं होने वाला लेकिन उसकी तलवारबाजी से इम्प्रेस होकर फुजीनामी ने उसे भी हाई लेवल का बना दिया। प्रमोशन के बाद उनोशिन भी अपने कपड़े तैयार करवाने में लग गया जिन्हें पहनकर वो रानी के सामने जाएगा। बाकी आदमियों की तरह उसने महंगे और भड़कीले कपड़े नहीं चुने। उसने खूबसूरत सा काला कपड़ा लेकर टेलर को दे दिया। साकेवा नाम के एक दर्जी ने दिल लगाकर उसकी ड्रेस तैयार की जिससे उनोशिन काफी खुश हुआ। लेकिन इनाम के तौर पर दर्जी को कुछ देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था तो उसने दर्जी के होठों पर चुम्मी चिपका दी। बहुत बढ़िया चीज है ये, मैं तो कह रहा हूँ पेटीएम हटाओ, चुम्मी पे शुरू करो, सब चुम्मी से पेमेंट करेंगे अब। जब रानी से मिलने का दिन आया तो सब उसके कपड़े देखकर हंसने लगे। उससे कहा गया कि रानी के सामने सर झुकाकर रखे और अगर रानी ने उससे उसका नाम पूछा तो ये साफ हो जाएगा कि रानी ने उसे चुन लिया है। इसके बाद जब रानी उनके सामने से जा रही थी तो उसका पैर एक कपड़े में अटक गया जिसकी वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा गई। ये देखकर किसी आदमी की हंसी छूट गई। जब रानी ने पूछा कि ये कौन था तो हमेशा सच बोलने वाला अपना उनोशिन सामने आ गया। उसका खूबसूरत चेहरा और सादे कपड़े देखकर रानी ने उसका नाम पूछ लिया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। इसका सीधा मतलब ये था कि रानी ने उसे चुन लिया है, अब उन्हें आज की रात साथ गुजारनी है। लेकिन शाम को उसे बताया गया कि रिवाज कुछ ऐसा है कि रानी के साथ पहली रात गुजारने वाले आदमी को अगले दिन मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सुनकर उनोशिन के होश उड़ गए। अबे मरने थोड़ी आया था मैं यहाँ। लेकिन जब उसे पता चला कि इसके बदले उसके परिवार को बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे तो उसने सोचा कि चलो देखी जाएगी। उसी वक्त रानी को भी इस बारे में बताया गया जो अब तक इस बात से अनजान थी। उनकी छोटी सी मुलाकात से ही वो उनोशिन को चाहने लगी थी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो मारा जाए। इसके बाद हमने फुजीनामी और टीचर को आपस में कुछ बातचीत करते हुए देखा। असल में ये सब इन्हीं का प्लान था क्योंकि वो उनोशिन को अपने रास्ते का कांटा मानते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे रानी के सामने भेज दिया ताकि वो उनके रास्ते से हट जाए। उसके मरने के बाद टीचर रानी को लुभाकर राजा बन जाएगा। उधर रानी के सामने जाने से पहले उनोशिन के दिमाग में बस अपने बचपन के प्यार ओनोबू के ही ख्याल आ रहे थे। वो बहुत दुखी था क्योंकि वो अब कभी भी साथ नहीं रह पाएंगे। इसके बाद उसे नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर रानी के सामने भेजा गया। बातों बातों में पता चला कि रानी का नाम दरअसल नोबू है। ये सुनते ही उनोशिन का दिल भर आया क्योंकि रानी का नाम उसकी बचपन की प्रेमिका ओनोबू से बहुत मिलता था। इसके बाद उन्होंने पूरी रात कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताए। अगली सुबह जब उनोशिन की आँख खुली तो उसे बताया गया कि रानी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी लेकिन चलो बेटा अब मरने का टाइम हो गया। उसका दोस्त और दर्जी उसकी मौत पर बहुत रोए। उसके परिवार को बहुत सारे पैसे दिए गए लेकिन उन्हें झूठ कह दिया गया कि उनोशिन की मौत बीमारी की वजह से हुई है। कई महीने बीत गए लेकिन ओनोबू अभी भी अपने प्यार को भूली नहीं थी। वो हर रोज उसकी याद में रोती और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आती। लेकिन एक दिन उसके सामने जीता जागता उनोशिन आकर खड़ा हो गया। उसने बताया कि रानी की दरियादिली की वजह से वो जिंदा है। रानी को उसे मिलने वाली बेरहम सजा मंजूर नहीं थी इसलिए उसने अपने आदमियों को भेजकर उनोशिन की जान बचा ली। ये सुनते ही ओनोबू उससे बुरी तरह लिपट गई और कभी उसका साथ न छोड़ने का वादा किया। आखिरकार रानी ने महल के सारे आदमियों को रिहा करके आजादी से अपनी जिंदगी जीने को कहा। उसने सबको नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी दिए। इन आदमियों की वजह से और बच्चे पैदा होंगे जो बाद में पैसे कमाएंगे और सरकारी खजाने पर बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर लड़के सच में कम रह गए तो क्या लड़कियां उन पर डोरे डालेंगी।